पिछले साल MSG के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम के बाद अब उनकी बेटियां भी बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। उनकी आने वाली फिल्म MSG वॉरियर द लॉयन हार्ट में तीनों बेटियां शामिल हैं। बाबा राम रहीम के मुताबिक इस फिल्म से उनकी बेटियां भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रही हैं। इस पर बाबा ने कहा, हमारी तीन बेटियां हैं और उनमें से दो बेटियां मेरे साथ इस फिल्म में अभिनय भी कर रही हैं और मेरी तीसरी बेटी ने फिल्म का निर्देशन किया है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएं और जो मन में आए वो काम करें। फिल्म MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट 7 अक्टूबर को रिलीज होगी और बाबा राम रहीम ने तय किया है कि फिल्म से होने वाली कमाई से लोगों का इलाज फ्री में कराया जाएगा। बाबा अपनी फिल्म को देश भर में टैक्स फ्री कराना चाहते हैं, जिसके लिए वो संबंधित लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। बाबा राम रहीम की पिछली फिल्म को लेकर देश के कई हिस्सों में बड़ा विवाद हुआ था। इस बारे में बाबा का कहना है कि लोग बिना देखे ही विवाद शुरू कर देते हैं। उनके अनुसार ना तो पिछली फिल्म में कोई विवाद जैसी बात थी और ना ही इस फिल्म में।